पर हेलो दोस्तों, आई नो काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं वेट कर रहा था मेरे पीसी बिल्ड की, और फाइनली मैंने सारा सामान परचेज कर लिया है पीसी बिल्ड के लिए। और आज हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं अपना ड्रीम पीसी, और ये है मेरा फ्रेंड विक्की, मेरे साथ हेलो। मिलके पीसी बिल्ड करने वाला है। तो आज आप सब देखेंगे कि कैसे हम पीसी बिल्ड करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम पीसी बिल्ड कर। पूछ नहीं सकता तू, मतलब इतनी क्या जल्दी है भाई? हैं? सॉरी भाई, नहीं तो तोड़ दे। ध्यान एक काम कर, मैं एक्साइटमेंट में अपना ध्यान नहीं खुद बिल दिया कर ना। लूंगा, निकल यहां से। तू चल चल साले, ठीक है, जा, चल मुझे भी नहीं करना। हाँ बिल्कुल, बड़ा खुद कर लूंगा मैं, तेरी जरूरत नहीं है मेरे को। देख तो ना कैसे करेगा। तोड़ तो नहीं गया। ठीक ही है, टूट तो नहीं गया। कहाँ लगा? ये तो यहाँ लगता होगा रैम तो। इस पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लगेगा? अभी हम पीसी खुद खुद बिल्ड करेंगे अपना। ये फैन निकाले। ये गाइस, चलो पीसी बिल्ड करते हैं गाइस। ये हमारे प्रोसेसर के ऊपर ठंडा रहेगा प्रोसेसर, इससे आ गया ना, आ गया। अरे बड़ा, हाँ हाँ कर लेंगे। अरे कुछ नहीं है। 2000 years later मैं बताता हूँ क्या हुआ। तुम्हें क्या लगता है क्यों आया ये वापस? अरे भैया पैरों में गिर गया, जाने लगा तो फिर बोला कि बक्से भाई यार बनाने दे पीसी। पैर छोड़े ही नहीं यार पकड़ के इसने। भाई प्लीज यार, तुम लोगों मेरा दिल तो पता ही है, फिर मैंने एक बार मना किया। छोड़ छोड़ छोड़, मैं नहीं नहीं मैं नहीं बनवा रहा, तुझसे नहीं बनवाऊंगा। फिर रोने लग गया यार पैरों में पड़ के। नहीं भाई बनाने दे बनाने दे, प्लीज बनाने दे यार, जिंदगी में एक मौका मिला। फिर यार मुझे भी लगा चलो कोई नहीं, बच्चे पे दया कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा तो दिल भी मेरा कुछ बड़ा सा ही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ठीक है। अब मैं मौका देता नहीं हूँ ऐसे लोगों को, चलो पर कोई बात नहीं। तो मजाक बहुत हो गया, अभी अपन लोग पीसी बनाना शुरू कर देते हैं। अपना कैबिनेट जो है वो खाली पड़ा है अभी तक, उसमें कोई भी सामान हमने डाला नहीं है। अभी हम मदरबोर्ड वगैरह सब सेटअप करेंगे, उसके बाद हम उसमें सारी चीज़ें सेटअप करेंगे सब। मैं पूरी वीडियो बना दूंगा तो लास्ट तक ज़रूर देखना, और परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा लास्ट में कैसी परफॉर्म कर रहा है पीसी। इस बिल्ड के लिए हमने यूज़ किया है राइजन 9 5900X, AMD के लेटेस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड, और म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए एकदम बेहतरीन प्रोसेसर ज्यादा कोर्स के साथ। और ग्राफिक कार्ड के लिए हमने यूज किया है MSI का RTX 3070, ये भी NVIDIA के लेटेस्ट आर्किटेक्चर के साथ आता है और फिलहाल मार्केट में काफी ओवर प्राइस बिक रहा है, बट हमें यूज करना था तो हमने परचेज कर लिया। मदरबोर्ड के लिए हमने यूज किया है MSI का X570 गेमिंग प्रो कार्बन वाईफाई, जिसमें कि हम BIOS अपडेट करके AMD के लेटेस्ट प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। और स्टोरेज के लिए हमने यूज की है क्रूशियल की NVMe M.2 सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि 1 TB की है और हमारी विंडोज ड्राइव के लिए काफी रहेगी। और हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हमने यूज की है Seagate की बैराकूडा 2 TB हार्ड ड्राइव, जिसमें कि हम अपनी बाकी फाइल्स स्टोर करेंगे। और रैम के लिए हमने यूज किए G-Scale की ट्राइडेंट C RGB, इसमें हमने यूज किए 16 GB की 2 स्टिक्स, जो कि हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए काफी रहेंगी। और प्रोसेसर कूलिंग के लिए हमने यूज किया है डीप कूल का कैसल 280EX, जो कि एक लिक्विड कूलर है और किसी भी एयर कूलर के मुकाबले काफी अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है। और पावर सप्लाई के लिए हमने यूज किए डीप कूल की 750 वोल्ट की 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ आने वाली पावर सप्लाई, जिसके साथ कंपनी 10 सालों की वारंटी भी प्रोवाइड करती है। और एट द एंड हमने कैबिनेट के लिए यूज किया है लियानली की तरफ से आने वाला PC 011 डायनेमिक मिड टावर, जिसमें काफी स्पेस अवेलेबल है हमारे सभी कंपोनेंट्स को आराम से हैंडल करने के लिए।
तो फाइनली दोस्तों हमारा सीपीयू हो चुका है रेडी। आई नो काफी दिन लग गए, बट कुछ पार्ट्स थे जो आए नहीं थे, उनके आने में इतना टाइम लग गया कि मैं कर नहीं पाया पूरी तरीके से रेडी। बट अभी हमारा सीपीयू रेडी हो चुका है, इसके हम बेंचमार्क टेस्ट भी देखेंगे और हमारे FL Studio की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, क्या कुछ ही हमारे फ़र्क पैदा कर पाता है परफॉर्मेंस में। और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक, फिलहाल रो बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने इसमें हैवी से हैवी टास्क करके देखे, प्रोसेसर कौन सा मैंने जो दिखाया था 5900X Ryzen 9, तो उसका क्या है कि जितने मैं हैवी टास्क करता हूं तो इसका प्रोसेसर क्या है, पूरी मैक्स टू मैक्स जो परफॉर्मेंस होती है इसकी 50% में ही कर कुरा के उसको खत्म कर देता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है इसमें। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज तो मुझे ये लगी कि पूरा 100 तक भी नहीं जाता है, कुछ ना कुछ फिर भी बच जाता है सीपीयू। इवन ओवरक्लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे इसको अभी। मैं भी हो सकता है आगे चल के मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोजेक्ट्स करूं, अभी तो मैंने जितने भी मैक्स टू मैक्स हैवी प्रोजेक्ट्स थे ना, सब करके देखे, सबको ऐसे चुटकियों में ओजोन 9 चाहे मैं 10 खोल लूं, ऐसे मक्खन तरीके से हैंडल करता है ना उनको, पता भी नहीं चलता कि इतने हैवी प्लगइन्स मैंने यूज़ किए हैं। FL Studio को तो ऐसे बच्चे की तरह मानता है कोई भी कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर हो। और अभी हम इसके बेंचमार्क्स देखेंगे अभी, और साथ में एक चीज़ और जो मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था कि मैं करूँ, सबसे पहली चीज़ यार, इसमें जो सुकून है ना वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। असली लुक तो अब निकल के आती है सीपीयू की, जब हम ये निकाल देते हैं मतलब एकदम बेहतरीन सी फीलिंग आती है कि पता नहीं क्या ही डिस्कवर कर लिया हमने, बट सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी मैं आपको इसे कुछ शॉट्स में दिखाऊंगा पास से, तो पता चलेगा कितना प्यारा लग रहा है सीपीयू, और परफॉर्मेंस तो हम देखेंगे अगले वीडियो में। Thank you.
थी मेरी नई पीसी बिल्ड वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं अपने पीसी से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इम्प्रेस हुए होंगे, और आगे फ्यूचर में मैं और इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। और जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे जो भी मैंने इसमें यूज किया, जो भी चीजें मैंने अपने सेटअप के लिए परचेज की हैं, सबका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर इनके लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।